जो बोर्ड है ये इस लाइट के लिए है, ये बोर्ड जो है इस बोर्ड के अंदर आपको यूनिवर्सल बोर्ड होना चाहिए। आपको पता नहीं है कौन सा यूनिवर्सल बोर्ड है और कौन सा नॉर्मल बोर्ड है। आप अगर लाइन इसमें दे देंगे तो पूरा का पूरा एलईडी खराब हो जाएगा। आपको बनाना बहुत ही आसान है, आपको एक पुराना एलईडी बल्ब लेना है और इसके अंदर से ये जो बोर्ड है और ये जो एमसीबीसी सब कुछ हटा देना है। ये देखिए हमने एक बल्ब ले लिया है, यहाँ पर देखिए ये जो बल्ब है इसका सब कुछ हमने हटा दिया है। और क्या करना है, एक मोबाइल चार्जर है, ये मोबाइल चार्जर का जो बोर्ड है इसके अंदर ये बोर्ड आपको लेना है। ठीक है, आप कोई भी मोबाइल चार्जर का बोर्ड ले सकते हैं ऐसे करके। और ये देखिए ये जो चार्जर का बोर्ड है ये बिल्कुल ओके होना चाहिए, तो ये जो लाइट है ये जलना चाहिए। तो ये क्या करना है, कुछ मल्टी कलर एलईडी लेना है इसके अंदर आपको लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टी कलर एलईडी को लगा लेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेना है, जैसे जैसे हम लगाएंगे वैसे वैसे मार्क कर लेना है। बस 15 एलईडी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके लिए इसको होल बनाने के लिए हम जो आयरन है इसका यूज करेंगे। आपको ऊपर से लगा कर दिखा लेना, देख लेना है, देखिए ऐसे करके लगा देना है। दोस्तों आप ठीक से देख लीजिए, यहाँ पर जो एलईडी है, एलईडी का जो मल्टी कलर एलईडी, इसका जो छोटा टांग है नेगेटिव और ये बड़ा टांग जो है पॉजिटिव है। तो ये बड़ा टांग को एक साथ जोड़ना है और छोटा टांग को एक साथ कनेक्शन करना है। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए छोटा टांग है, ये छोटा टांग एक साथ कनेक्शन होगा और उसके साथ साथ बड़ा टांग एक साथ जोड़ेगा। तो ऐसे करके हम हर एक एलईडी को लगा लेंगे। आप इस जगह पे कनेक्शन को ठीक से देख लीजिए, हर एक नेगेटिव पॉइंट को हमने यहाँ पर लगा दिया है। हर एक एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक साथ हमने कर दिया है, एक देख सकते हैं ठीक से। यहाँ पर देखिए एक एक करके हमने नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया है और हर एक पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो गया। अभी हम यहाँ पर दो वायर कनेक्शन करेंगे, दो वायर हमने ले लिया है। पॉजिटिव के लिए हमने रेड वायर यूज करेंगे और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर। यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन हमने कर दिया है, पॉजिटिव वायर यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर देखिए ऐसे करके आपको पॉजिटिव वायर को सोल्डिंग कर देना है। दोस्तों ये काम आपके घर का 10 साल का लड़का भी कर सकते हैं और ऐसे करके आप कोई भी बना सकता है इसको। ये देखिए सोल्डिंग हमने कर लिया है। दो वायर सिर्फ मल्टी कलर एलईडी लेना है, आप जितना चाहे एलईडी यहाँ पर लगा सकते हैं और दो वायर कनेक्शन कर देना है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, हो गया। अभी जो बोर्ड हमने लिया है इसका जो देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर रहेगा, उसका नेगेटिव पॉइंट ये और ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये जो धारी वाला पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए गौर से, ये जो धारी वाला पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए ये वायर जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, पहले हम नेगेटिव को कनेक्शन करेंगे ऐसे करके और उसके बाद पॉजिटिव को यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है ये एसी का पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, दो वायर यहाँ पर लगाएंगे। एसी का पॉइंट है तो यहाँ पर हम दो वायर को होल्डिंग कर लेंगे। ये देखिए इसका कनेक्शन हो गया, ये आपका सिंपल सा कनेक्शन कोई भी कर सकते हैं, आप भी घर पर कहीं पर भी इसको लगा कर रख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो होल्डर हमने निकाला है तो इसका जो पॉइंट है इसको साफ कर लेंगे। ये दो होलों ने बना दिया है और ये जो वायर है इसको इसके अंदर से निकाल लेना है ऐसे करके। अभी हम दो पॉइंट को यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है और इस बोर्ड को कवर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये साइड में लग के शॉर्ट हो सकता है। तो मोटा सा कागज लेना है और इसको
ऐसे करके कट के इसके ऊपर लपेट देना है, या अंदर शॉर्ट ना हो जाए। दोस्तों कुछ बात हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड अगर आप किसी भी पुराना चार्जर से खोल के लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये जो लाइट है इसका उम्र ज्यादा हो जाएगा, आप ज्यादा दिन तक इसको यूज कर सकते हैं और ये जो लाइट है बहुत बढ़िया तरीके से जलेगा और उसका ग्लो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसके जगह पे किसी भी तरह और भी कुछ लगाएंगे तो ऐसा लाइट आपको नहीं मिलेगा, इसका जो लाइट है वेलोसिटी है वो आपको नहीं दिखने को मिलेगा। आपको दिखाते हैं, कुछ वीडियो में आपको दिखाया जाएगा ऐसा एक बोर्ड लगाकर बना देते हैं। ये बोर्ड है, ये इस लाइट के लिए है। ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड के अंदर आपको यूनिवर्सल बोर्ड होना चाहिए। आपको पता नहीं है कौन सा यूनिवर्सल बोर्ड है और कौन सा नॉर्मल बोर्ड है। आप अगर लाइन इसमें दे देंगे तो पूरा का पूरा एलईडी खराब हो जाएगा। आपको देखना है कौन सा बोर्ड यूनिवर्सल बोर्ड है, जिस बोर्ड के साथ एक एलईडी जलेगा उस बोर्ड ही यहाँ पर लगा सकते हैं, और कोई भी बोर्ड अगर लगाएंगे तो तुरंत ये पूरा का पूरा एलईडी खराब हो जाएगा। इसलिए हमने सुझाव देते हैं ये बोर्ड आपको नहीं लगाना चाहिए, आप चार्जर का बोर्ड लगाइए और इसका लाइट बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा और ये सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। लेकिन इस बोर्ड के लाइट अगर फ्लैक्चुएट करेगा तो ये सारा का सारा एलईडी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए इस बोर्ड के साथ इसको बनाने का कोशिश मत करना। आप अगर नए हैं तो इसको बनाने के जाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बोर्ड यूनिवर्सल है और कौन सा नॉर्मल है, तो इसलिए ऐसा काम मत करना, ठीक है। ऐसे करके हमने बना दिया है और इसको पैक कर देते हैं। आप सिर्फ इसका लाइट देखिए, लाइट देखने के बाद कमेंट कीजिए। फटाफट से पैक कर लेते हैं। ये देखिए ये बोर्ड इसके अंदर एकदम चला जाएगा और ऐसे करके लगा दीजिए। ये देखिए आपका बोर्ड लाइट एकदम कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। आप इसका सिर्फ लाइट देखिए, इसको लगाने के साथ साथ इसका लाइट देखिए, इतना बढ़िया लाइट आप कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो बोर्ड है बहुत ही बेहतर बोर्ड है, तो इसीलिए इसका लाइट जो है इतना ग्लो दे रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा काम सीखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारे अंदर मोटिवेशन जगता है और इसके लिए रात रात जग के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा।